नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुंभ राशि 22 फरवरी 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। विस्तार पूर्वक जानकारी मैं दूंगा। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का पंचांग, फिर जानेंगे आज का टोटका और फिर जानेंगे बुरे वक्त को अच्छा करने वाले उपाय। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और जो लोग हमारे नए दर्शक हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान के बटन को दबाएं। याद रखें, नए दर्शक, जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक करें। सूर्योदय होगा 6:58 सुबह, सूर्यास्त होगा 6:12 शाम को। तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, योग है वरियायन, वार शनिवार, नक्षत्र श्रवण, चंद्र राशि मकर, अभिजीत मुहूर्त 12:12 दोपहर से लेकर 12:57 दोपहर तक, और राहु काल रहेगा 9:46 सुबह से लेकर 11:11 सुबह तक। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राहु काल में नहीं करने होते हैं अच्छे और शुभ काम, और अभिजीत मुहूर्त में कर लेने होते हैं सभी अच्छे काम। तो ये तो था संक्षिप्त सुबह का पांचांग। अब चंद्रमा आज मकर राशि में है और मकर राशि में चंद्रमा किस प्रकार का फल देंगे, वैसे भी आपकी राशि शनि के 7.5 के प्रभाव में है, तो सब कुछ जानेंगे क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले जान लेते हैं आज का टोटका। धन लाभ, हर व्यक्ति चाहता है उसको धन का लाभ हो। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई शिक्षा ग्रहण करता है। जो नौकरी करने वाले के लिए नौकरी पैसा कमाने का जरिया है, व्यापार करने वाले के लिए व्यापार पैसा कमाने का जरिया है, शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शिक्षा आगे बढ़ने का जरिया है, यानी बच्चों के लिए। तो तीन कैटेगरी में हमने लोगों को डिवाइड किया, महिला पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। तो आपको करना क्या है, अगर आपको पैसे की कमी लग रही है, आपके व्यापार में पैसे नहीं आ रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, या बड़े दिनों से प्रमोशन नहीं हुई, अटकी पड़ी है, या जितनी मेहनत उतना फल नहीं है, या पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं आप, मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करना है, पीपल के पत्ते पर, पीपल का पत्ता ताजा टूटा हुआ हो तो बढ़िया है, उस पर चमेली का तेल और सिंदूर का घोल बनाकर अनार की कलम, अनार की कलम का मतलब हुआ जो अनार का पेड़ होता है वो आपको, उसी जो कलम है पूजा पाठ की किसी भी दुकान पे आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी 5-10 रुपये में। सिंदूर और चमेली के तेल का घोल और अनार की कलम और पीपल का पत्ता, ये सब कुछ आपके पास आ गया, इस पर लिखना है आपको श्री राम, और श्री राम लिखकर उस पर कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाते, लड्डू बूंदी कुछ भी चढ़ाते हैं, और हनुमान जी को शनिवार को चढ़ाएं, दोनों हाथों से अर्पण करें और हर शनिवार ये प्रयोग करते रहें। देखिए धीरे धीरे आपका जो धन रुका हुआ था, प्रमोशन रुकी हुई थी, शिक्षा में काम नहीं बन रहा था, वो सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। 2-3 शनिवार करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वहाँ पर अगर हो सके तो कपूर जलाकर हनुमान जी की आरती आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ सभी के लिए, अगर आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाते हैं, ताज़ा टूटा हुआ पुष्प, और दूध से बना हुआ कोई मिष्ठान घर पर बनाकर चढ़ाते हैं और उसका भोग लगाकर माँ को चढ़ाते हैं, खुद खाते हैं और परिवार के लोगों को खिलाते हैं, तो आपके घर में धन वर्षा होनी तय है। ये दो काम अगर आप कर सकते हैं, करके देखिए, आनंद आ जाएगा, एक महीने में ही फर्क दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। दोनों प्रयोग बहुत ही बढ़िया है, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भी और इधर से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी। अब बात करते हैं राशिफल की। आपके मन में कुछ बुरे बुरे विचार आ सकते हैं आज। आज आपकी सोच कुछ चीज़ों को लेकर नकारात्मक हो सकती है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो पहले से पता है कि ये गड़बड़ है, ये खराब है। कई बार हमें पता होता है कि हम गलत करने जा रहे हैं, कई बार हमें पता होता है कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं, तो ऐसा कोई काम ना करें तो बढ़िया रहेगा। जानबूझकर गलतियां ना करें और अपने बने बनाए कामों को ना बिगाड़ें, कर्मों को ना बिगाड़ें, गलत ना करें। यात्रा के कारण आपको लाभ मिलने की संभावना है, यात्रा में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन यात्रा से धन प्राप्ति हो सकती है, लाभ प्राप्ति हो सकती है। अपने खर्चे पर लगाम लगा कर रखें, आपका हर काम धैर्य के साथ करना होगा, धीरे धीरे करना होगा, सोच समझ के करना होगा। आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष होगा, थोड़ा सा मेहनत होगी आज। आपके संबंध जीवन साथी के साथ बेहतर होने लगेंगे धीरे धीरे, अगर पिछले दिनों में कुछ तनाव था तो उसमें धीरे धीरे प्यार मोहब्बत वापस आने लगेगा।
कलह का जो माहौल था वो दूर होगा और आपके परिवार में भी सुख शांति अब देखने को मिलेगी, यानी थोड़ा सा रिलैक्स होना अब आप शुरू कर देंगे, शुरुआत हो चुकी है आप थोड़ा सा रिलैक्स होने की। तो आपके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं अपने जीवन साथी को मनाने के, घर में सुख शांति के, वो आप कहीं फल दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। आपके भाई बहन के साथ आपका विवाद होता दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत को लेकर सावधानी पूरी रखिएगा आज के दिन। नौकरी हो या व्यापार हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, हर बात जो है आज जल्दी समझेंगे आप, यानी कोई भी काम आएगा उसको आप जल्दी समझ लेंगे, बुद्धि आज आपकी तेज रहेगी, दिमाग तेज रहेगा। आपका दिमाग पहले से बहुत तेज होगा, आप चतुर और चालाक होंगे, कुछ काम जो कानून या धर्म विरोधी हो सकते हैं उनको आपको करने में आज मजा आ सकता है, यानी आज आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं, आज आप ईश्वर का उपहास उड़ा सकते हैं, आज आप कानून तोड़ सकते हैं, छोटा तोड़ें बड़ा तोड़ें लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये सब आपको बहुत भारी पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में, ऐसी गलतियां ना करें, पहले सावधान कर रहा हूं। आज आपको कम क्रोध करना है या कहीं बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, आपकी काफी सहायता हो सकती है अगर आप क्रोध ना करें और सही और सकारात्मक सोच विचार के साथ आगे बढ़े। तो प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, वैवाहिक जीवन में जैसे मैंने कहा तनाव की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे सही होती नजर आएगी। फिर भी कोई लापरवाही मत करिएगा, बनते काम बिगाड़िएगा मत, और हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सवारने की बजाय कहीं और बिगाड़ ना बैठे, बड़ा ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख भोगने के लिए आप व्याकुल हो सकते हैं, आज आपकी जो इच्छा होगी वो अपने साथी से शारीरिक सुख पाने की होगी, जिसके लिए आप बड़ा प्रयत्न करेंगे और बहुत कुछ कोशिश करेंगे, और इन कोशिशों में कुछ ऐसा ना हो जाए जो गलत हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठेस पहुंचाकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, आपको थोड़ा सा वक्त देकर चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। आपके हाथ में कुछ बढ़िया काम भी होंगे, आप वक्त पर उन कामों को पूरा कर लेंगे। आज आप सिर्फ उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन कामों में लाभ दिखाई पड़ेगा, यानी जहां पे पैसा है, जहां पे आपको फायदा दिखाई पड़ेगा वही काम करेंगे। आप बेवजह वक्त को खराब नहीं करेंगे और बेवजह किसी का फ्री में काम भी नहीं करेंगे, अपने दिल की बात बताने में आपको वक्त लगेगा। आज आपकी सोच जो होगी वो लालच भरी हो सकती है, आज आपकी सोच में लालच हो सकती है। और एक चीज बढ़िया जो है वो पूरे दिन में जो दिखाई पड़ती है कि आज आपका काम बड़ा प्लानिंग के साथ होगा, बड़ा सुनियोजित ढंग से करेंगे, और बहुत प्लानिंग से जब आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन कामों में सफलता मिल जाती है। आपका दिल दिमाग जो है वो बहुत तेजी से चलने वाला है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों में लगा रहेगा, यानी आज आपका दिमाग बटा रहेगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे क्या कहता है, और यानी कि सुई भी गिरेगी तो आपको सुनाई पड़ जाएगी, आपके बारे में कहीं पे कोई बात होगी तो आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, घर हो या बाहर हो। वक्त बेहतर किया जा सकता है थोड़ी सी सावधानी के साथ में, आज आप वास्तविकता को समझें, सपनों में ना जाएं, धर्म विरोधी ना हो, कानून विरोधी ना हो, जीवन साथी को रिस्पेक्ट दें, प्यार में रिस्पेक्ट दें, और प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं ये सब ठीक है, और इतने भी लालची ना हो जाएं कि किसी का तिरस्कार कर बैठे। फ्री में काम करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइएगा, भले आप किसी का फ्री में काम करें या ना करें। तो ये था आज आपका राशिफल। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कपूर जो होता है जलाने वाला उससे हनुमान जी की आरती करिए, बहुत लाभ होगा, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, बहुत लाभ होगा, शिव जी की आराधना करिए, बहुत लाभ होगा, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है आज, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अगर आप परेशान हैं, दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है या आपके घर में परेशानी है, तो अपनी कुंडली की विवेचना कराएं और जानें आपके जीवन में क्यों दुखा रहे हैं और उसका उपाय क्या होगा। और समस्त प्रकार के उपायों को करने के बाद भी अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आपकी जन्म कुंडली में आपके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, किसी भी कारण से आपको अपनी डिटेल्स नहीं पता है और बहुत उपाय कर लिए फिर भी संकट जस के तस बने हुए हैं, तो आप अपनी राशि का रक्षा कवच धारण करें जिसको मैं अभिमंत्रित करके आपको दूंगा। और यकीन मानिए, अगर आप विश्वास रखते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके कष्ट हवा की तरीके से उड़ जाएंगे और आपको बहुत लाभ होगा। और ये रक्षा कवच आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं। और शनि रक्षा कवच अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अभी परीक्षा और एग्जाम का समय चल रहा है, और जो बच्चे परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम
बुद्ध का कवच बना रहे हैं, यानी बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि बनी रहे, और जो कुछ याद करें, जो कुछ पढ़ें, वो एग्जाम्स वगैरह में बढ़िया तरीके से करके आएँ और अच्छे नंबर लेकर आएँ, तो आप ज्ञान बुद्धि को बढ़ाने वाला कवच भी प्राप्त कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बाकी दिन बेहतर तरीके से बताएं, सावधानी रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और भगवान की भक्ति में लगे रहें और अपनों का साथ दें, भगवान का आशीर्वाद लें और माता पिता की सेवा करें, सब कुछ बढ़िया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने माता पिता की सेवा करते हैं प्रतिदिन, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हरि ओम, नमस्कार।